माय चैनल। और आज की वीडियो में हम सफाई करने वाले इस मंदिर की, और ये रहा हमारे हथियार सफाई करने वाले हैं हम मंदिर की। तो चलो सफाई करते हैं। सफाई ये देखो, ये है हमारा सोसाइटी का शिव जी का मंदिर। पहले मैं आपको यहाँ का हाल दिखाती हूँ। यहाँ पर ना बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई थी, तो हमने सोचा कि आज हम इसकी सफाई कर देते हैं। कुछ लोग मंदिर के अंदर दिया जला देते हैं, जिसकी वजह से जो दिए का धुआं होता है वो बाहर नहीं जा पाता और दीवारें काली पड़ जाती हैं। और कुछ लोग सिंदूर को दीवार पे पोंछ देते हैं, जिसकी वजह से दीवार लाल हो जाती है। हम जब साफ कर रहे हैं ना, तो भी बहुत पानी काला काला हो रहा है। हमें एक अच्छे नागरिक की तरह से इस सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। फॉर मी, क्लीनिंग द प्लेस वेयर वी डू वर्शिप इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग। मेंटेनिंग क्लीनिनेस इज एन इम्पॉर्टेंट इंटरगल ऑफ ह्यूमन बींग्स। A man should keep clean his house as well as his surrounding areas. As well as in this time of coronavirus, it is more important to clean the surrounding. Many people says that it is not their work to clean the surrounding. But I think that if it is not their work to clean the surrounding, is this their work to make the surrounding dirty? Due to this filth spread all around and other type of responsibility are created, maintaining cleanliness is day by day going to be the primary responsibility of every person. We all should understand the motto, importance and necessity of cleanliness and try to imply it in our daily lives. हम सभी जानते हैं कि जब राम जी सेतु बना रहे थे, तब एक गिलहरी ने उनकी मदद की थी। सेतु बनाने में उस गिलहरी का भी योगदान था। उसी तरह हम लोगों को भी धरती माँ को खूबसूरत से और खूबसूरत बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। देखो इधर के बर्तन ना कितने गंदे हो गए थे, इसलिए इनको पीताम्बरी और नींबू की मदद से साफ किया जा रहा है। ये देखो, यहाँ पर भगवान जी के लिए नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं। ये
मम्मी और आंटी ने मिलकर भगवान जी को स्नान कराया और फिर उनको नए कपड़े पहनाए। अब पूरी 3 दिन की साफ सफाई के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर कैसा दिख रहा है। कि मैंने आपको पहले बताया था कि लोग अंदर दिया जला देते हैं और दिया में जो धुआं निकलता है वो बाहर नहीं जा पाता और दीवारें काली हो जाती हैं और वो जो दिया होता है वो जहाँ पर रखा जाता है वो जगह भी काली हो जाती है। इसीलिए हमने ये एक पोस्टर टाइप बनाया जिसमें हमने लिखा है कि कृपया दिया बाहर जलाएं। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसा हाल होता है। दिया मंदिर के बाहर जलाएं।